और आपने कॉन्डम इस्तेमाल किया तो आपको नहीं होगा। तो कॉन्डम लगाने का एक तरीका है कि पहले तो उसे अच्छे से फाड़े, बहुत कोई भी कॉन्डम लो, कहीं से भी ले लो आप, वो आसानी से फट जाता है। उसके बाद उसको हथेली पे ले लो, वो सही सीधा है या उल्टा वो भी देख लो, उसके अंदर एक निप्पल होता है ऐसे। अब जब ये निप्पल ऐसे लेकर बाहर कर दिए और हमारा हथियार तैयार हो गया तो क्या करेंगे? तो इस निप्पल को लेकर एक बार ऐसे घुमा लें, ठीक है? और जब मेरा हथियार तैयार है, आप आओगे जरा, दो मिनट, जो उंगली ऐसे कर दो ना आपका, एक मिनट, ये ऐसा घुमाना जरूरी है, ठीक है? और फिर लगाते वक्त, ठीक है, लगाते वक्त भी ध्यान देना है कि हमारा हथियार रेडी है, ठीक है, हमारा हथियार रेडी है, टाइट हो गया पूरी तरह से, अब वो सबर नहीं कर रहा है। अब एक तो अपना उठाओ जरा, मैं इनको लगा देता हूँ, चलो उठाओ आपका। अरे उंगली यार, ये तो शर्मा गए, देखो मैंने उंगली उठाओ बोला, ये कैसा हो रहा तुम्हारे मार्केट, ये देखो, ठीक है, फिर ये हमारा हथियार तैयार है, तो ये इस तरह लगा दिए है और अपना काम चालू रखिए। होने के बाद हो गया तो थोड़ा देर रुक जाइए, इसको थोड़ा ढीला होने दीजिए, जब ये थोड़ा ढीला हो जाए तो ये ऐसे पकड़ ले, क्योंकि यहाँ रस आ गया रहेगा ना, अपना सारा रस अपनी ताकत यहाँ आ गई है, तो उसको धीरे से निकाल ले। निकालने के बाद उसके अंदर एक गांठ बांध दीजिए ऐसे, और गांठ बांधने के बाद इधर रिंग को फाड़ दीजिए, ऐसा क्यों करना है? और उसके बाद उसको किसी पेपर में लपेट कर, ठीक है, ऐसी जगह फेंके जहाँ बच्चे के हाथ ना लगे, क्यों? बच्चे बेचारे गुब्बारा समझ के फुगाएंगे, हमने तो मज़ा लिया अपने मज़े के लिए, अगर बच्चे के हाथ लग गया तो वो तो सजा ले लेगा बेचारा, है ना? तो कॉन्डम सही तरीके से अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो कभी नहीं फटेगा। और उसके साथ साथ जो हम लोग कॉन्डम के वजह से हमारी फैमिली कंट्रोल रहती है, अनजाने जितने बच्चे चाहिए नहीं आते हैं, उसके साथ साथ एचआईवी एड्स इतनी बड़ी भयानक बीमारी है, सुना होगा आप लोगों ने, वो बीमारी नहीं लगती है। ये जो गुप्तन पे जो है लिंक कट रहा है, लिंक सड़ रहा है, मवाद गिर रहा है, पीप निकल रहा है, काट आया है, ये सब क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और उसी के साथ साथ अगर हमने इनके पास गया, इनके पास कुछ हुआ होगा तो हमको तो हो जाएगा, ठीक है? तो यही समझाना था, यही बताना था, आप लोग हमारे तरफ ध्यान दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।